नेटर हाई स्कूल टंडोआदम। पुट असां कुछ सब्जेक्ट सिंधी जा कुछ सबक पढ़िया हुआ। इन अब हिस्सा हैो नसर मतलब सबकन वारो सबको जो है वो नज़मुन वारो कुछ नज़मों कुछ सबक अस पढ़िया हुआ। उन हाँ कुछ सबक असाजा जिनके हाँ अस आराम आराम से इन वीडियो के जरिए तवा तक पहुँचाइंदी तुम उन बुधजो। उन कुछ भी मसलो हुए कुछ भी शुछणी होछी सोता तो पुट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह के नाले से शुरू था क्यों। अज जो असो सबक है वो सबक है इतिहाद तंजीम ए यकीन मुहक्कम। कें भी शें के कें भी तंजीम के या कें भी गाल के अगते वधाण लाए कें भी कौम के या कें भी शें के अगते वधाण लाए ही टई शयूं जेके आहिनि तमाम लाजमी आहे। इतिहाद छाके चइबो आहे यूनिटी मुतहिद। तंजीम छाके चइबो आहे पहिरें त यूनिटी हुजे सब मुतहिद हुजनि इएं न जो सब हिक ॿिए खां इख़्तिलाफ़ राय रखंदा हुजनि। राय जो इख़्तिलाफ़ रखण भी जाइज़ है पर सब एक बे जा दुश्मन होजन इतिहाद न हो जे हर को एक बे जे ला खड पे खोटे त वो कम पो न हली सकंदो। कें भी कौम की तरक्की पो कान हली सकंदी छो इतिहाद तमाम घणो लाजमी है। उन्हें का पो इतिहाद अगर तंजीम हुनन में नज़्मो ज़ब्त भी हुजे मतलब डिसिप्लिन भी हुजे उन्हनि में उन खां पो यकीन मुहक्कम यकीन भी हुजे करण जी जुस्तजू भी हुजे यकीन मुहक्कम हुजे मन करणो आहे बस इहो करणो आहे जेका असां शइ सोची आहे उनखे करणो आहे लाज़मी इहो यकीन मुकमल यकीन हुजे। इन्हनि इहे टई ॻाल्हियूं तमामु ज़रूरी आहिनि कंहिं बि क़ौम जी तरक़ी वग़ैरह जे लाइ। हिन थोरो उर्दू में तव्हांखे सम्झाए छॾियां जेको मूं सिंधी में चयो। बेटा इतिहाद सबसे पहले हम इतिहाद को समझते हैं यूनिटी यानी कि एक दूसरे के साथ इतिहाद हो मुतहिद हो हमारा आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ ना हो। तंजीम कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को। किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये तीन चीज़ें तमाम ज़रूरी हैं इतिहाद हो उनका आपस में मुतहिद हो जोड़ हो तोड़ ना हो तंजीम नज़्म व ज़ब्त भी हो और उसके साथ साथ जो भी काम वो जो चीज़ कर रहे हैं उसका यकीन भी हो यकीन मुहक्कम मुकम्मल यकीन हो कि हमने ये चीज़ करनी है तब जाके वो कौम या वो मुल्क तरक्की करता है अलबत्ता नहीं करेगा। तो बेटा जैसे क्लास में पढ़ते थे जी क्लास में पढ़ा हुआसी बिल्कुल अड़े तरीके से सभी का पे सिंधी में तहे लेक्चर जो कुछ हिस्सों पढ़ुस उन उर्दू में ट्रांसलेट कर समझाने की कोशिश कदस उन अलावा भी को समझ में न अचे सवाल हुए तो वो तुखा पुछजो। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू क्यों था कौमुन की तरक्की तनज़ुल कमाल ज़वाल जो दारोमदार इतिहाद है। ये कह रहा है किसी भी कौम की तरक्की उसको उठाना तरक्की दिलाना तनज़ुल और उसको गिराना जवाल आना किसी भी कौम का कमाल हो वो एक कमाल पर पहुंच जाए तरक्की कर कर के उरूज पर पहुंच जाए या जवाल हो उसका नीचे से जवाल आ जाए वो गिर जाए उसका तारोमदार इतिहाद पर होता है। मेन चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि मेन चीज़ इतिहाद है कि आपस में जोड़ जोड़ हो। वो मिसाल भी देते हैं ना कि एक बंदा जो था उसके चार बेटे थे और वो चारों जो है आपस में बनते नहीं थे इत्तहाद नहीं था। तो वो बूढ़ा आदमी जब बुज़ुर्ग हो गया मरने के मरज़ुल मौत के करीब आ गया आखिरी वक्त चल रहा था तो उसने कहा कि अपने बेटों को कैसे समझाऊं कि इत्तहाद सबसे बड़ी चीज़ होती है इनको कैसे समझाऊं। फिर उसने क्या किया कि एक लकड़ियों की जो है वो गठड़ी मंगवाई और उसके बाद उसने क्या किया कि उस लकड़ियों की गठड़ी को पहले अपने हर हर बेटे को एक एक लकड़ी दी और उसका कहा तोड़ो तो उन्होंने तोड़ा तो वो टूट गई। उसके बाद लकड़ियों को जमा करके एक रस्सी में बांध कर उनकी गठड़ी बनाकर जमा और कहा इसको तोड़ो तो चारों ने अलग अलग कोशिश की मगर नहीं तोड़ सके।
तो बाप ने बेटों को कहा, बेटा अगर तुम चारों भी एक साथ इसी तरह गठरी की तरह, जैसे देखो एक लकड़ी मैंने तुम्हें दी तो तुम उसको तोड़ने में तुमको आसानी हुई, इसी तरीके से अगर तुम भी अलग अलग हो गए तो कोई भी तुमको नुकसान पहुंचाएगा आसानी से, मगर अगर तुम जैसे ये लकड़ियाँ इकट्ठी की तो उसको तोड़ना मुश्किल हो गया, इसी तरीके से अगर तुम चारों भी एक साथ हो जाओगे तो तुमको भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, किसी को तुमको नुकसान पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटों को बात समझ में आ गई। तो बेटा मेन चीज़ होती है इत्तहाद, मेन शे होती है इत्तहाद, जड़े तरीके से इन पोड़े उन्होंने समझाया तो काठियों अलग अलग होंदियों तोड़ने में आसानी थी, अड़ी तरीके से जो तब अलग अलग होंद तक तोड़न आसान थो, जो काठियों गडन उन तोड़न मुश्किल है तबनी के ला तुम भी जो चार पान में तुम इतिहाद हों, दोस्ती होंगी, बधी होंगी, एको हों, तक भी तोड़न तमाम घो दुखियो थी पवन कें जगह। इतिहाद वो रूह है जो कौमन के हयाती ताजगी बख्शे तो, इतिहाद वो रूह है जो किसी कौम को जिंदगी बख्शता है और ताजगी भी बख्शता है, उससे वो कौम सरसब्ज रहती है, खुशहाल रहती है। तारीख शायद आए तो दुनिया में उ कौमू जिंदा रही सघ्यू आन जिन में इतिहाद की कुवत हुई। ये कह रहा है कि तारीख इस बात की गवाह है कि दुनिया के अंदर वही कौमें जिंदा रह सकती हैं, अभी तक कायम और दायम हैं, जिनके अंदर इत्तहाद था, कुव्वत था, एक दूसरे के दूसरे साथ मुत्तहिद थे, वो कौमें हमेशा इत्तहाद में रहने की वजह से उनके अंदर कुव्वत थी, उनका आपस में एक ऐसा एका था, मुत्तहिद थे कि कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता था। पर जे कौम में निफाक फेटाड़ो हो वह नेस्तो नाबूद थी वही। पर जिस कौम के अंदर निफाक, निफाक यानी के मुनाफिकी के दिल के अंदर कुछ और बार जबान पे कुछ और, मतलब जिन कौमों के अंदर ये चीज़ें थी, निफाक था या फेटाड़ो यानी कि उनका आपस में झगड़े थे, एक दूसरे से बनते नहीं थे, तो वो कौमें क्या हो गई, वो निस्तो नाबूद हो गई, मतलब उन वो सफाए हस्ती से मिट गई, उनको तोड़ना आसान हो गया। देखें अगर घर में चार भाई रहते हैं, अगर घर में चार भाई रहन था, चैनी जो पान में इख्तलाफ़ आ, चारों का आपस में इख्तलाफ है, तो कोई भी बाहर से आकर उनको कुछ बोलेगा तो वो आपस में लड़ पड़ेंगे, और अगर चारों भाइयों का आपस में इत्तहाद होगा, चैनी भाइयों जो इत्तहाद हो, तो बाहर वाला कितनी भी कोशिश करे मगर वो लड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो मुत्तहिद हैं, वो इत्तहाद में हैं, वो जुड़े हुए हैं, टूटे हुए नहीं हैं। दुनिया जो को भी नंढो ख्वा वो कारनामो तेस ताई सर अंजाम दे नथो सकजे, जेस ताई पान में इत्तहाद कायम नथो कजे। दुनिया के अंदर चाहे छोटा हो या बड़ा कोई भी कारनामा, जब तक हम सर अंजाम यानी कि उसको नहीं कर सकते, जब तक के हम में आपस में इत्तहाद ना हो, जब तक हम इत्तहाद कायम नहीं करेंगे, हम कोई भी दुनिया का कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते। सिज की तवानाई, अच्छा दुनिया जू ही अजीम इजादू दरियाओं वाहन इंसान की हुक्मरानी, सिज की तवानाई में फ़ायदा हासिल करण, जमीन में खजाना खोटे कढ़ण, ये सब अमल इंसान लाए तदें आसान थे जदें इन पान के इत्तहाद के जेवर से सिंगारियो। कहें दुनिया के अंदर अजीम इजादें हुई हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, तो दरियाओं और हवाओं पर इंसान ने हुक्मरानी की, यानी कि दरियाओं में उन्होंने कश्तियाँ चला दी, हवाओं में जहाज़ उड़ा दिए, या सूरज के तवानाई हासिल करने के जो ज़रिए बनाए हैं, और ज़मीन में से जो खजाने निकल रहे हैं, ये सब जो है तब चीज़ें अमल में आई जब उन्होंने खुद को इत्तहाद के जेवर से नवाजा, मतलब एक दूसरे से बन बन कर चले। देखो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हर इंसान को कामिल नहीं बनाया, कामिल सिर्फ़ एक हस्ती थी और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बाद कोई कामिल हस्ती नहीं कि वो कोई ऐसी हस्ती हो जिसको सब कुछ आता हो, नहीं, इसलिए हर बंदा सब कुछ तो नहीं जानता, हर मानू सब कुछ तो कौन तो जाने, मगर हर बंदा कुछ कुछ जानता है, मगर पर हर मानू कुछ कुछ ज़रूर तो जाने, इसीलिए इन्हें लाए एक दूसरे की मदद से,
एक दूसरे की बेटा मदद से, एक दूसरे से पूछ पूछ कर और काम होता है तो उसके अंदर खैर बरकत भी होती है और वो कामयाब भी होते हैं। और अगर इत्तहाद होगा तो वो एक दूसरे से बताएंगे भी, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। अगर इत्तहाद ही नहीं होगा तो वो सिर्फ़ एक दूसरे की टांगें काटने में होंगे। जैकने पुट एक बे से इत्तहाद हों तो हू पान में मिली मिली हलंदा, एक बे की मदद भी कंदा। जर इत्तहाद ही न हों तो हू पान में रुगो एक बे जो टंगू कटन खड खाई खोटन ला वेठा हों तो कड़ी भी तरीके से उनके हेठ कर मथाऊँ थे। इस्लाम में इत्तहाद की ख़ास अहमियत दिनल आहे। इस्लाम में इत्तहाद को ख़ास अहमियत हासिल है। क्यों मैंने